हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, लेकिन एक गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। अपना होमवर्क हमारे पास सेंड नहीं कर रहे हैं बेटा, ये बहुत ही गलत बात है। आप जस्ट अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, आप लोगों की नई शुरुआत है। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ कि भाई नए नए बच्चे हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ते हुए हुआ नहीं है, चीज़ों में ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बेटा ऐसा काम बिल्कुल मत करो कि मुझे आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना पड़े। तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क हमें ज़रूर सेंड करो। यार मैं तुम लोगों को मतलब यहाँ तक कह चुका हूँ कि 24x7 मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो तुरंत मेरे पास में व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। फिर भी आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को पूरी तरीके से कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं तो सही, मैं तो हर तरीके से आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करें कि मुझे आप सभी लोगों के नाम यहाँ क्लास में खड़े होकर बताने पड़े कि कौन बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, स्कूल के नाम के साथ और पेरेंट्स के नाम के साथ। आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से होमवर्क करके हमारे पास में सेंड करें। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई डाउट है तो हमसे आप कांटेक्ट करें। हम किस लिए हैं भाई? हम पूरा दिन बैठे हुए हैं, हम आपके डाउट बताने के लिए हैं। लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए बेटा, आज हमारा फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों के स्कूल एग्ज़ाम में, आप लोगों के JEE के एग्ज़ाम में और आप लोगों के नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी आप ये समझिए कि आज हमारी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनना शुरू होगा। आज फर्स्ट डे है हमारी बिल्डिंग के फाउंडेशन का। ये जो फिजिक्स रूपी हमारी बिल्डिंग है ना बेटा, पहला दिन है इसके कंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल, हम धीरे 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 अब सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब मज़ा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में और आप लोगों को भी खूब मज़ा आएगा फिजिक्स को सीखने में, ठीक है? तो बेटा ऐसा है, फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है हमारे पास में वो है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। ये हमारे पास में पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट। बहुत ध्यान से आप लोगों को चैप्टर देखना है, कोई भी डाउट अपने माइंड में आपको नहीं रखना है। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं 24x7 आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। आप लोग डाउट पूछने वाले होने चाहिए, ठीक है? तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें और अपने डाउट को एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट और एरर। यूनिट मेजरमेंट और एरर, यूनिट मेजरमेंट और एरर। देखो, चूंकि मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, तो मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो एक आप लोगों ने अपनी मेंटेलिटी बनाई हुई है ना कि ये मुश्किल है, ये आसान है, ये स्कूल एग्ज़ाम के लिए है, ये JEE के लिए है और ये नीट के लिए है, इसे अपने अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग निकाल दें। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम ऐसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ाएंगे कि ये जो मुश्किल और आसान वर्ड है, ठीक है, डिफ़िकल्ट और इजी वर्ड है, ये आप लोगों के अंदर से पूरी तरीके से निकल जाए। आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को सीखने पर होना चाहिए। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए, ये केमिस्ट्री नहीं है कि बार बार एक्सेप्शंस यहाँ आएंगे, ये फिजिक्स है, ठीक है? जो रूल एक बार बता दिया वो रूल रहेगा, हमेशा रहेगा और किसी भी क्वेश्चन पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को सीखने पर होना चाहिए बेटा, ठीक है? चलिए, तो बेटा ऐसा है, टॉपिक का नाम है हमारे पास में, चैप्टर का नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट एरर, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। और टॉपिक का नाम है आपके पास में, सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, आज की क्लास में हमें कुछ भी करके सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखना है। मतलब ऐसे निकालना सीखना है कि कभी कोई प्रॉब्लम हमें होनी ही नहीं चाहिए। हम इतना अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे, इतना बढ़िया तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे कि हमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को रूल्स लिखवाऊंगा बेटा। रूल्स की बात की है, पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और कैसे निकाला जाएगा, ठीक है? देखो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में
किसी भी नंबर की एक्यूरेसी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। यानी आप ये समझिए कि जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कई बार फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है और दो नंबर आपको दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बताइए इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर मोस्ट एक्यूरेट है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप दोनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे, जिस नंबर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे वो नंबर मोस्ट एक्यूरेट होगा और जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर लेस एक्यूरेट होगा। तो आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो हमारा मेन मोटिव है, वो सिर्फ एक है और वो है नंबर की एक्यूरेसी को चेक करना। हम किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं बेटा। किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, यानी जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को पता चल चुकी है और उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और क्यों हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हम क्यों निकालते हैं, नंबर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। बात समझ में आ रही है, कौन सा नंबर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा नंबर लेस एक्यूरेट है। अब सवाल उठता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालेंगे कैसे। अभी आप अपनी रफ कॉपी निकाल कर रखिए बेटा, आप लोग अपनी रफ कॉपी निकाल कर रखिए। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ये आप अभी अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा, फेयर कॉपी में मैं अलग से नोट्स आपको बनवाऊंगा रूल्स सिखाने के बाद में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जो सबसे पहला रूल है हमारे पास में, रूल नंबर वन हमारे पास में ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी जो नंबर ज़ीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है, उसे आप सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर आपको हमने ऐसे दे रखा है, ये नंबर हमने आपको दे रखा है बेटा, और हमने आपसे पूछा कि बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं। आप कहोगे कि भाई नंबर है हमारे पास में 2354। इसका मतलब ये है कि ना तो ये ज़ीरो है, ना ये ज़ीरो है, ना ये ज़ीरो है, ना ये ज़ीरो है। सो 1, 2, 3, 4, इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे वो 4 है। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे बेटा। तो पहला रूल बताइए आप लोगों को समझ आया नहीं आया, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो नंबर ज़ीरो नहीं है वो नंबर सिग्निफिकेंट है। जो नंबर ज़ीरो नहीं होगा वो नंबर सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 है 23.541211। चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल हो या डेसिमल ना हो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि नंबर ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है। जो ज़ीरो नहीं है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो बेटा देखो, हमें बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो कोई भी ज़ीरो नहीं है, इस पूरे नंबर में कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इस नंबर में होंगे हमारे पास में 8 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में हमारे पास में 8 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। तो बेटा रूल नंबर 1 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है यूनिट, मेजरमेंट और एरर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को बताने के लिए लिखा जाता है। जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर निकाला कैसे जाएगा,
रूल नंबर वन हमने आपको बताया, जो पहला रूल हमने आपको सिखाया वो पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो नंबर ज़ीरो नहीं है, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें आठ सिग्निफिकेंट फिगर है। उम्मीद करते हैं कि पहला रूल आप लोग समझ चुके होंगे और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आते हैं बेटा रूल नंबर टू पर। अभी आप लोग ये सारी चीज़ें अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखिएगा, रफ़ कॉपी में लिखिएगा। जब मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा फिर आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। रूल नंबर टू हमारे पास में ये है कि ऑल ज़ीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरोज़ आएंगी वो भी हमारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। जैसे हमारे पास में ये नंबर आया 2002001, हमें बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तीन तो ये हो गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हैं, ये तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, ये जो दोनों ज़ीरोज हैं, ये दोनों ज़ीरोज हैं, ये टू के और टू के बीच में आ रही हैं। जो ज़ीरोज दो नंबर के बीच में आएंगी, नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरोज आएंगी, वो भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी। तो ये दोनों भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये दोनों ज़ीरोज टू और वन के बीच में आ रही हैं, दो नंबर के बीच में ये दोनों ज़ीरोज आ रही हैं, तो ये भी हमारी सिग्निफिकेंट कहलाएगी। तो कुल मिलाकर इस नंबर में जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे 1, 2, 3, तीन तो ये हो गए, दो ज़ीरो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इस नंबर में हो गए हमारे 7 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं बेटा, इस नंबर में हमारे पास में हो गए हैं 7 सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई हो और कोई परेशानी यहाँ तक ना हो। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में 2.01001202। हमें बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हम लोगों को ये बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। आइए बताते हैं, रूल नंबर वन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। कैसे? क्योंकि ये भी ज़ीरो नहीं है, 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 ये भी ज़ीरो नहीं है और ये भी ज़ीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? ना ये ज़ीरो है, 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 तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा, अब इन दोनों ज़ीरो को आप देखो, भले ही डेसिमल आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली जो ज़ीरो है ये दो के और एक के बीच में आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गई। ये दोनों ज़ीरोज वन के और वन के बीच में आ रही हैं, ये भी दोनों सिग्निफिकेंट हो गई। ये वाली जो ज़ीरो है ये दो के और वन के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गई। इसका मतलब तो यह है कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए भाई। इसका मतलब तो यही है कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास में इस नंबर में हो गए 10 सिग्निफिकेंट फिगर, 10 सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में हमारे पास में हो गए। सो रूल नंबर वन, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, विद और विदाउट डेसिमल नो प्रॉब्लम। और रूल नंबर टू हमारे पास में ये है, ऑल ज़ीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ बेटा बढ़ेंगे। जैसे
हमारे पास में ये नंबर आ गया, यहां बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट होंगे, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं, हमें ये बताना है इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ये चार तो इसलिए हो गए क्योंकि ये चारों के चारों नंबर है, ये जीरो नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। अब जीरोज की बात करते हैं, जीरोज की ये दोनों जीरोज वन के और वन के बीच में आ रही हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये दोनों जीरोज वन के और वन के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ गई बेटा? तो हमारे पास में कुल मिलाकर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस नंबर में हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो दो रूल मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, ये दोनों रूल आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब मैं बढ़ता हूँ रूल नंबर थर्ड की तरफ, रूल नंबर तीन की तरफ, ठीक है बेटा? चलिए आइए देखते हैं कि रूल नंबर थ्री क्या है हमारे पास में। बेटा रूल नंबर थ्री है हमारे पास में कि विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के, विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट। बिना डेसिमल पॉइंट के जो पीछे की जीरोज होती हैं, सबसे लास्ट की जीरोज होती हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट नहीं करते हैं। देखो आप रूल नंबर थ्री क्या है हमारे पास में, रूल नंबर थ्री ये है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, ध्यान रखिएगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के मैंने लिखा 4, 6, 0, 0, 1, 000। अब आपको ये जो तीन जीरोज दिख रही है ना बेटा, इन तीन जीरोज को हम कहेंगे ट्रेलिंग जीरोज। ये तीन जीरोज हमारी जो पीछे की जीरोज होती हैं, पीछे की जीरोज बिना डेसिमल पॉइंट के, भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिना डेसिमल पॉइंट के जो पीछे की जीरोज होती हैं हमारी, वो हमारी कहलाती हैं ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है? अब बिना डेसिमल पॉइंट के ट्रेलिंग जीरोज को हमें काउंट नहीं करना है, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर इन्हें हमें काउंट नहीं करना है तो क्या बचा हमारे पास में, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तीन सिग्निफिकेंट तो ये हो गए। अच्छा इन दोनों जीरो को देखो, ये दोनों जीरो 6 और 1 के बीच में आ रही हैं, तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इस नंबर में कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट हो गए 5। इस नंबर में हमारे पास में कुल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, इस नंबर में कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में कुल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2, 3, 0, 0, 1, 000, 1, 000, बेटा ये है हमारे पास में, हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ डेसिमल है या नहीं है। आप कहोगे कि सर डेसिमल नहीं है, और अगर डेसिमल नहीं है तो खटाक से एकदम दिमाग में आना चाहिए, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट नहीं कर रही है, ये जो दो जीरो आपको दिख रही है ना, ये हमें काउंट ही नहीं करनी है, समझ आ रही बात? ट्रेलिंग जीरोज हमें काउंट नहीं करनी है विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब क्या क्या बचा हमारे पास में, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट तो हमारे पास में ये हो गए। ये दोनों जीरो 3 के और 1 के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तीनों जीरोज 1 के और 1 के बीच में आ रही हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कुल मिलाकर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस नंबर में 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास में बेटा, इस नंबर में हमारे पास में हो गए हैं 9 सिग्निफिकेंट फिगर। सो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर 3 आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं बेटा, कैसे? रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये, ये, ये और ये सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये दोनों जीरो, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बिना डेसिमल पॉइंट के पीछे की जीरो हमें काउंट नहीं करनी है,
अब इसका मैं आपको एक एक्सेप्शन केस पढ़ाता हूँ बेटा, एक्सेप्शन केस। हालांकि एक्सेप्शन का जो हक है, एक्सेप्शन का कॉपीराइट केमिस्ट्री के पास में है, लेकिन फिजिक्स में भी कहीं कहीं आ जाता है एक्सेप्शन। आगे भैया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैंने ये लिखा कहीं ये, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर मैंने ये लिखा और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप ये कहोगे कि सर डेसिमल नहीं है तो इन दो जीरो को तो काउंट ही नहीं करना है हमें, ये पीछे की जीरोज हैं इन्हें हमें काउंट ही नहीं करना है, एक ये हो गया एक ये हो गया, इस नंबर में हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा था 2300 और मैंने यहाँ लिखा है 2300 kg, ये 2300 है खाली और ये है 2300 kg, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पीछे की तरफ यूनिट नहीं थी, मैंने यहाँ यूनिट लगा दी है, kg की यूनिट लगा दी है। और मैंने आपसे पूछा कि अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बेटा यही एक्सेप्शन है, ध्यान रखेगा जब पीछे यूनिट आ जाएगी तो उस कंडीशन में आपको इन जीरोज को काउंट करना पड़ेगा। अगर पीछे की तरफ यूनिट आ गई है ना, तो उस कंडीशन में इन जीरोज को आप काउंट करेंगे। अगर पीछे यूनिट आ गई है तो फिर ट्रेलिंग जीरोज को आपको काउंट करना है। तो इस केस में एक ये हो गया एक ये हो गया, और चूंकि यूनिट एग्जिस्ट कर गई है तो ये दोनों भी हो गए, तो यहाँ हो गए चार सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए? चार। इस नंबर में कितने हैं? दो। इस नंबर में कितने हैं? चार। तो मोस्ट एक्यूरेट नंबर कौन सा है, ये वाला या ये वाला? आप कहोगे कि सर इसमें तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपने ही तो आज बताया है जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4000 या 40000, ये लिखा बेटा मैंने आपके सामने, और एक जगह मैंने आपके सामने लिख दिया 40000 meter, 40000 meter। इन दोनों नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपको ये बताना है। अब ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले नंबर में ना तो डेसिमल है और ना यूनिट है, ना डेसिमल ना यूनिट, तो पीछे की जीरोज हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये नंबर काउंट होगा। इसमें हो गए एक सिग्निफिकेंट फिगर, कितने? ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ आ जाओ बेटा। ठीक है, देखो यूनिट आ गई है ना, तो यूनिट के आ जाने से ये चारों जीरोज काउंट होगी आप लोगों की। एक तो ये हो गया और ये चार जीरोज हो गई। पीछे की तरफ मीटर आ गया, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, सेकंड, वॉट एवर, कुछ भी यूनिट आ जाए, कोई भी यूनिट हो, ज़रूरी नहीं है कि मीटर या किलोग्राम ही हो, कुछ भी यूनिट हो सकती है यहाँ पीछे। अगर कुछ भी यूनिट यहाँ आ जाएगी तो उस केस में आपको ट्रेलिंग जीरोज काउंट करनी है। तो इस नंबर में हो जाएंगे पांच सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इस नंबर में पांच सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आप लोगों को आई हो और यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। तो अभी तक हमने आपको बताए हैं सिर्फ तीन रूल बेटा, और ये थर्ड रूल का एक्सेप्शन केस है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे फोर्थ रूल की तरफ। आप एक बार तीनों रूल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तीनों रूल को अच्छे तरीके से ना समझ लो बेटा। ओके बच्चों, तो तीनों रूल को पहले अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो, देख लो अच्छे तरीके से कि क्या क्या रूल्स में मैंने आपको बताया है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, तभी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ हम सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। तीन रूल मैं आपको बता चुका हूँ, अब आते हैं हम फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल फोर्थ रूल देखिए क्या कहता है बेटा। अब तक तो हम पढ़ रहे थे विदाउट डेसिमल पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे विद डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर फोर्थ हमारा ये कहता है विद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के साथ
पीछे की जीरोज आपको काउंट करनी है। अभी हम पढ़ रहे थे कि काउंट नहीं करनी है, अगर डेसिमल नहीं होगा तो काउंट नहीं करनी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर डेसिमल होगा, चाहे वो डेसिमल कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें पीछे की जीरोज काउंट करनी है। जैसे हमने लिखा 2.4, ये लिखा बेटा हमने, ध्यान से जरा समझिएगा बिल्कुल गौर के साथ। सबसे पहले ये बताइए कि ट्रेलिंग जीरोज, सबसे पहले ये बताइए कि इस नंबर में डेसिमल है या नहीं है। भाई बिल्कुल डेसिमल है, ये डेसिमल मुझे दिख रहा है, दिख रहा है ना डेसिमल, बिल्कुल डेसिमल मुझे दिख रहा है। और अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट करनी है, तो तीन तो ये हो गए, और रूल नंबर 1 के मुताबिक ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, दो ये हो गए, तो कुल मिलाकर इस नंबर में हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कुल मिलाकर इस नंबर में हमारे पास में हो गए हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि अगर मैं यही आपके सामने ऐसे लिखता 0.2, ये लिखता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, रूल तो पढ़ ही लिया है हमने। पहले ये बताओ कि डेसिमल है या नहीं है। जी सर बिल्कुल डेसिमल है। अरे डेसिमल है या नहीं है, बिल्कुल भाई डेसिमल है। और अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरो तो काउंट करनी ही पड़ेगी भाई, अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरो तो काउंट करनी ही करनी पड़ेगी। कितनी हो गई, 4, और एक हमारे पास में हो गया ये, तो यहाँ हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलिए समझ आया नहीं आया। अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिखा 0.45000 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो डबल चढ़ावा हो गया, डेसिमल भी आ गया और यूनिट भी आ गई, डेसिमल भी आ गया और यूनिट भी आ गई, हमें यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज हमारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, ये हमारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, और ये दोनों भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, यहाँ हो गए 5 सिग्निफिकेंट। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोज, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज, वो हमें काउंट करनी है एज अ सिग्निफिकेंट, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर वो हमें काउंट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी और कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 4। पहले सारे रूल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर हम सारे रूल लिखेंगे, फिर हम खूब सारे इनके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चिंता मत करो, मैंने आपसे क्या कहा है कि आज हमारे चैप्टर का पहला दिन है, और मेरी पूरी कोशिश आज से लेकर क्लास के लास्ट डे तक ये रहेगी कि हर कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं, ऐसे सिखाऊं कि आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएं। ठीक है, तो ये हमारा 4th कंसेप्ट है बेटा, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारे पास में रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई नंबर लेस देन ऑफ 1 है, आपके पास में कोई नंबर है और वो नंबर 1 से छोटा है, पहली बात तो ये समझिए कि अगर वो नंबर 1 से छोटा होगा तो डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा। डेसिमल कहाँ आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा स्टार्टिंग में, डेसिमल ऐसे आ जाएगा 0.0002000, ऐसे आ गया, समझिएगा बेटा। अगर डेसिमल स्टार्टिंग में होता है, यहाँ स्टार्टिंग में, तो डेसिमल के बाद ये जो जीरोज आ रही है ना, ये आपको कभी भी काउंट नहीं करनी है, चाहे यूनिट हो यूनिट ना हो, इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। डेसिमल के बाद ये जो 3 जीरोज आपको दिख रही हैं, ये कभी काउंट नहीं करनी है। कब? जब नंबर 1 से छोटा होगा। जब 1 से छोटा होगा ना, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, यानी डेसिमल अगर स्टार्टिंग में है तो ये वाली जीरोज आपको कभी काउंट नहीं करनी है, कभी भी काउंट नहीं करनी है। अब देखो ये जीरोज अगर हमने काउंट नहीं करी, डेसिमल हमारा यहाँ है, तो 3 जीरो तो हमारी ये हो गई, ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट हो गई, और 1 हमारा ये हो गया, तो कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ आई हो। एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में ये है, गौर से देखिएगा बेटा। 0.200100। अब आप ये देखो यार, डेसिमल आ गया। अगर डेसिमल आ गया तो ये जीरो तो हमें काउंट नहीं करनी है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। और अगर डेसिमल है तो पीछे की जीरोस भी काउंट होंगी, और ये दोनों जीरोस आ रही हैं 2 के और 1 के बीच में, तो कुल मिलाकर हमारे पास में हो गए हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल देखिए, 0.002001000। यहाँ बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप देखो, डेसिमल स्टार्टिंग में आ गया, ना तो ये वाली जीरो काउंट करनी है और ना ये दोनों जीरो काउंट करनी है। डेसिमल है तो पीछे की जीरो काउंट करनी है, 3 तो ये हो गई, ये दोनों जीरोस इसके और इसके बीच में आ रही है, ये भी काउंट करनी है, ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया, तो कुल मिलाकर हो गए हमारे पास में 7 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जाम्पल देखो, 0.000400002000 किलोग्राम, ये आ गया हमारे पास में। हमें बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब कैसे बताएंगे बेटा, जरा ध्यान दीजिए। ये जो डेसिमल, ये वाली जीरो आपको दिख रही है, ये आपको काउंट ही नहीं करनी है। ये 3 जीरो आपको दिख रही है, ये भी आपको काउंट नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है ना? ये आपको काउंट करनी है ना ये आपको काउंट करनी है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, अब बचा हमारे पास में ये डेसिमल है तो पीछे की जीरोज हमें काउंट करनी है, ये दोनों जीरो भी हमें काउंट करनी है क्योंकि 4 के और 2 के बीच में आ रही हैं, और नंबर तो हमेशा काउंट होते ही हैं, तो इस नंबर में हो गए हमारे पास में 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा ये सारे रूल हैं हमारे सिग्निफिकेंट को काउंट करने के। कुल मिलाकर 5 रूल मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि 5 के 5 रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के पीछे की जो जीरोज होती हैं, जिन्हें ट्रेलिंग जीरोज हम बोलते हैं, उन्हें हमें काउंट नहीं करना है। और अगर यूनिट हमने उसके पीछे लगा दी, यूनिट लगा दी, फिर काउंट करना है। कोई भी यूनिट अगर उसके पीछे लगी हुई है, समझ में आ रही है बेटा बात? उसके बाद की कंडीशन क्या है हमारे पास में? रूल नंबर 4 हमारे पास में ये था कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, और अगर डेसिमल स्टार्टिंग में है, यानी नंबर 1 से छोटा है अगर हमारा, तो नंबर अगर 1 से छोटा होगा ना तो डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा। डेसिमल अगर स्टार्टिंग में है तो ये जीरोस को हमें काउंट नहीं करना है। ये 3 जीरोज़ हो गई, यानी स्टार्टिंग में आने वाली जीरोज़ को हमें काउंट नहीं करना है। ये हमारे 5 रूल हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के। और मुझे उम्मीद है कि अगर इन 5 रूल को आप सीख जाते हैं तो सिग्निफिकेंट का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाएँ। बड़े प्यार से हर एक प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर रेंडमली बनाते हैं, फिर हम अपने रूल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए रेंडमली हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं बेटा। सबसे पहले है हमारे पास में 4500, फिर है हमारे पास में 45.00, फिर है हमारे पास में 45000 किलोग्राम, चौथे नंबर पर है हमारे पास में 4500 एंगस्ट्रॉम, पांचवें नंबर पर है हमारे पास में 0.002000 किलोग्राम, छठे नंबर पर है हमारे पास में 2×10^-14 किलोग्राम, सातवें नंबर पर है हमारे पास में 4536 एंगस्ट्रॉम, आठवें नंबर पर है हमारे पास में 6.022×10^23, नौवें पॉइंट पर है 6.67×10^-11, दसवें नंबर पर है हमारे पास में 2500.000 किलोग्राम, ग्यारहवें नंबर पर है हमारे पास में 0.000200001
4 times 0, और 12वें नंबर पर है हमारे पास में 25000, और यहाँ पीछे हमने लगा दिया है सेकेंड। ठीक है, इतने सारे हैं बेटा हमारे पास में, इन सब के सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालने हैं। मुझे उम्मीद है कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इतने सारे सवाल करने के बाद में आपको कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसका मतलब कमी मुझ में है यार, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं सिखा पाया। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना डेसिमल ना यूनिट, पहले क्वेश्चन में देखो ना डेसिमल ना यूनिट, तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं करनी है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसमें आते हैं, डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट करनी है, डेसिमल चाहे कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गए चार। अब यहाँ आते हैं, यूनिट है एक्सेप्शन केस, पीछे यूनिट है ना, अगर यूनिट है तो ये तीनों जीरोज हमें काउंट करनी है, तीन ये हो गए, दो ये हो गए हमारे पास में पांच सिग्निफिकेंट। समझ आ रही बेटा बात? अब देखो इसे समझो, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 meters। जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान रखेगा, एंगस्ट्रॉम को हमने लिख दिया है 10^-10 meters। ये जो 10^-10 गया है ना बेटा, इसे आपको कभी काउंट नहीं करना है, ध्यान रखेगा। 10^ में चाहे कुछ भी हो आपको कभी काउंट नहीं करना। अगर इसने आपने इसे छोड़ दिया तो क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा 4500 meters, 4500 meters ये बच गया हमारे पास में। यूनिट तो है ना पीछे, अगर यूनिट है तो इन दोनों जीरो को काउंट हमें करना है, दो ये हो गए, दो ये हो गए, यहाँ हो गए हमारे पास में चार सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास में फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, हमने इसे कट कर दिया। अब यहाँ आओ, देखो डेसिमल स्टार्टिंग में है कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेसिमल स्टार्टिंग में है तो इन जीरोज को हमें काउंट नहीं करना है, ये जीरोज काउंट नहीं होगी। डेसिमल तो है ना, डेसिमल है तो पीछे की जीरो काउंट होंगी, तीन ये हो गई, एक ये हो गई, इस नंबर में हो गए चार सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को हमें कभी काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक बचा, ये हो गया एक सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को हमें कभी काउंट करना ही नहीं है, हटा दो पावर को, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहां आते हैं, एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिख सकते हैं, 10^-10, एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10^-10 meters, इसे हमें काउंट ही नहीं करना है। अब सिर्फ चार नंबर बचे, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, हमारे पास में हो गए फोर सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को हमें कभी काउंट ही नहीं करना है, अगर काउंट नहीं करना है, डेसिमल है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, यहाँ हो गए फोर सिग्निफिकेंट फिगर। पावर को हमें कभी काउंट ही नहीं करना है, यहाँ हो गए तीन सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये, एक ये और एक ये। अब यहाँ आते हैं, देखो डेसिमल है ना बेटा, अगर डेसिमल है तो ये सारी जीरोज काउंट होंगी, सारी जीरोज काउंट होंगी, चार ये हो गई, दो ये हो गई, छः और दो आठ, यहाँ हो गए एट सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल है तो आगे की जीरो तो काउंट नहीं होंगी, पीछे की जीरो जरूर काउंट होंगी, चार ये हो गई, चार ये हो गई, ये हो गई एट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो यूनिट है ना, यूनिट एक्सेप्शन केस, डेसिमल तो नहीं है लेकिन यूनिट है सेकंड, तो ये हमें काउंट करनी है, एक दो तीन चार पाँच, इसमें हो जाएंगे पांच सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बेटा, कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और कोई दिक्कत यहाँ तक ना हो। ठीक है, आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको आज पढ़ाया, सारे रूल्स मैंने आपको बताए, एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स मैंने आपको कराए। अब मैं कम से कम आपसे इतनी उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन्हें ढंग के साथ पढ़ लें तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल कभी गलत नहीं होगा, आप सिग्निफिकेंट फिगर की हर एक प्रॉब्लम को बड़े प्यार से बना पाएंगे। ठीक है,
इन्हें आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब आप देखिए आगे, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मैंने एक नंबर लिखा 23, फिर मैंने लिखा 23.0, फिर मैंने लिखा 23.00, फिर मैंने लिखा 23.000 किलोग्राम, ठीक है। ये भी 23 अगर देखा जाए तो, ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23, लेकिन आपसे पूछा गया है कि इन चारों नंबर में मोस्ट एक्यूरेट कौन है, इन चारों नंबर में मोस्ट एक्यूरेट कौन है। तो बेटा एक्यूरेसी बताने के लिए या एक्यूरेट नंबर बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, और जिस नंबर में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर निकल कर आएंगे वो नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए हम नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दो, एक ये और एक ये। इसके अंदर कितने होंगे, डेसिमल है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तीन। डेसिमल है तो ये चारों सिग्निफिकेंट, कितने हो गए, चार। डेसिमल है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट, कितने हो गए, पांच। इस नंबर में पांच सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में चार हैं, इस नंबर में तीन हैं, इस नंबर में दो हैं, तो ये नंबर हमारा मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा बेटा, मोस्ट एक्यूरेट, ये नंबर हमारा मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो बेटा सिग्निफिकेंट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन मैंने अभी लिखवाया नहीं उसके बारे में आप लोगों को कुछ। ये जितना भी टॉपिक आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको अपनी अभी रफ कॉपी में लिखना है, फेयर में आपको नहीं लिखना है। जब अगली क्लास हम पढ़ेंगे तो पहले मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा, ठीक है, और हर एक रूल पर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। अब आप क्या करें कि अपने आप से कोई भी नंबर बनाएं जिसका आप सिग्निफिकेंट नहीं निकाल पा रहे हो, आपको मुश्किल सा नंबर निकल लग रहा है, और वो मेरे पास में आप भेजें, और भेजने के बाद में मुझसे आप पूछें अच्छे तरीके से सभी सिग्निफिकेंट फिगर के जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें रिवाइज करें और देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मिलेंगे बेटा आप लोगों से कल की क्लास में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, थर्सडे एंड फ्राइडे आप लोगों का ऑफ रहेगा बेटा, ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल फित्र, ठीक है। ईद के ओकेजन में आप लोगों का थर्सडे एंड फ्राइडे ऑफ रहेगा। सैटरडे से आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो एज यूजुअल बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी। संडे आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।